ये इंटरेस्टिंग है, ये तोप है, ये तोप। हे गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं इंडिया ब्लॉग मस्ती। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ बिजना गांव में। यहाँ पर एक किला है और एक रहस्यमय किला है, तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं एक किला। तो ये बिजना गाँव में है और झांसी से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम लोग यहाँ पर पेपर देने के लिए आए हैं। तो अभी पेपर तो 11 बजे से है, तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो अभी चलते हैं और आपको किला घुमाते हैं। तो हमने सोचा कि आपके लिए एक ब्लॉग ही बना दें। और ये बिजना का किला है, तो काफ़ी अच्छा किला है और ये टूट चुका है। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको इसके बारे में बताते हैं। हम लोगों ने गेट खोला है और अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हैं। ये किला पूरी तरह से टूट चुका है और ये बिल्कुल वीरान है। और यहाँ पर उनका एक चौकीदार रहता है, राजा साहब का। तो राजा साहब का अभी नाम तो पता नहीं, अभी गेट पर चलते हैं और चौकीदार से पूछते हैं कि राजा साहब का नाम क्या है और किस तरह से ऐतिहासिक रहा है अपने ज़माने में। अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। ये किला पूरी तरह से टूट चुका है, तो अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। सकते हैं कि काफ़ी बंजर और वीरान है। तो और ये गेट है, तो अभी अंदर तो अभी गेट खुला नहीं है, तो अभी दूसरे गेट से चलते हैं अभी और आपको दिखाते हैं। बहुत घूमने में बहुत मजा आ रहा है और मेरे साथ फ्रेंड है संजय और विजय, तो आप देख सकते हैं। और काफी मजा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। ये बिजना का किला है, ये अपने जमाने में बहुत ऐतिहासिक रहा होगा। तो मेरे साथ गुप्ता जी भी हैं और अभी आपको दिखाते हैं अंदर चल के, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। और बड़े भाई हमारे, क्या नाम है? आकाश सोनी। तो काफी मजा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। तो अभी ऊपर की साइड में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये किला जो है एक रहस्यमय है और अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं। कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो ये किला जगह जगह से टूट चुका है, तो इसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है। तो अभी चलते हैं ऊपर की साइड में और आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ है, तो अभी चलती है आगे और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आए हम लोग और भटक गए हैं, यहाँ से कोई रास्ता है ही नहीं। यहाँ से आए हम लोग इस गेट से और यहाँ पर आए तो हम लोग रास्ता भटक गए हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ है नहीं और अभी चलते हैं नीचे जहाँ पर अभी हम लोग हैं। ये स्कूल था पहले जमाने में, स्कूल था और अभी भी स्कूल है, शायद बच्चे पढ़ते हैं। चकबंदी क्या होता है? अच्छा भटक रहे हैं, चकबंदी का मतलब होता है भटक रहे। तो अभी ये स्कूल था और पहले जमाने में, तो अभी भी यहाँ पर बच्चे वगैरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ किताबें वगैरह रखी हैं, तो आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ किताबें वगैरह रखी हैं अंदर, तो वो तो दिख ही नहीं है, लाइट ज़्यादा हार्ड है। तो अभी ये स्कूल है और यहाँ पर चलते हैं अंदर और आपको दिखाती हैं। हाँ ये अभी भी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वगैरह रखी है और माँ सरस्वती जी की फोटो भी लगी है। तो यहाँ पर पहले ज़माने में भी पढ़ाई होती थी और अभी भी होती है, और अभी भी बच्चे वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा किला लगा मुझे देख कर। गाइस अभी सबसे ऊंची जगह पर है हम लोग किले की, तो आप देख सकते हैं ये किला पूरी तरह से टूट चुका है और काफी अभी नया नया सा बना दिखा हुआ दे रहा है। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर कभी कोई रहता है तो वीरान पैदा होंगे कहाँ पर। गाइस काफ़ी अच्छा किला है, लेकिन अभी चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं और अभी बाहर की साइड में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गाइस ये स्कूल है जहाँ पर अभी ये किले का एक हिस्सा है और इसमें एक स्कूल खोला है, तो अभी छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और ये घंटी लगी हुई है यहाँ पर। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और अभी ये मेन किला है। तो अभी वाओ कितना अच्छा नज़ारा है। तो अभी आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। जहाँ पर अभी हम लोग घूम रहे थे वहाँ पर तो टूटी फूटी जगह है और किला भी ज़्यादा टूटा फूटा हुआ है, लेकिन जहाँ अभी हम लोग अंदर हैं किले के, ये मेन जगह है किले की, तो अभी यहाँ पर भी गेट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कोई शायद रहता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुंदरता है और फूल वगैरह और पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर।
बनाने के लिए है, लेकिन अभी इसमें ताला डाला हुआ है। तो ये कौन, ये इंटरेस्टिंग है, ये तोप है, ये तोप आप देख सकते हैं इसमें, ये इस तरह से गलती होगी, ये लकड़ी में फिटिंग है, तो ये तो अभी हिल भी नहीं रही है, जाम हो गई है, जाम। तो इसमें गोला गोला लगा के घालते होंगे इसमें। तो ये एक ये रखी, हाँ जी उससे बड़ी है, 250 क्विंटल की है, 250 क्विंटल की तो नहीं है, लेकिन समथिंग 20 किलो की होगी। और आप देख सकते हैं, तो ये इसमें कैसी गलती होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर प्योर मोहर की है और लकड़ियाँ फिट है। गाइस ये जो आप महल देख रहे हैं, हाँ, ये इसमें राजा रानी रहते होंगे, और इसमें काफी अच्छी डिजाइन निकली हुई है, ये हाथ से पेंटिंग की गई है, और ये किले के अंदर एक कुआ है, समथिंग 100 हाथ गहराई होगी इस कुएं की, तो बहुत गहरा है, और इसको बावरी बोलते हैं गांव में। तो ये जो महल है और इसमें राजा रानी रहते होंगे, तो अभी तो बंद है, वहाँ पर जाने के लिए वो रास्ता बंद है, यहाँ से ये गेट है तो वो बंद है, और वो भी गेट बंद है, तो अभी चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग आए हैं, अभी बाहर की साइड में ये जगह है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है अभी अंदर, तो बहुत पुरानी पिंडी है, कम से कम 1000-2000 साल पुरानी होगी। तो जब महाराजा थे तब की वो पिंडी है, तो ये 1000-2000 साल पुरानी होगी। तो आप देख सकते हैं अभी वहाँ पर जूते चप्पल अभी ना देख सकते हैं अभी, और अंदर शिव जी की वो पिंडी है, तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी कुछ होगा, तो अभी गेट बंद है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा किला है और बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। ये किला काफ़ी साल पुराना है, और यहाँ के जो राजा थे वो सूर्य प्रताप सिंह राजा थे, और यहाँ पर वो अब तो रहते नहीं, और उनके जो वंशज थे वो अभी जयपुर चले गए हैं। तो अभी थोड़ा हमने इन्फॉर्मेशन लिया है बाहर से, बता रहे हैं कि जो यहाँ के राजा थे तो वो यहाँ से जयपुर चले गए, और राजा तो नहीं है लेकिन उनके जो पूर्वज हैं, जो उनके वंशज हैं, और वो जयपुर में रहते हैं। और ये किला काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो इस किले की देखभाल करता है, और किला पूरी तरह से टूट चुका है, ये पुरातत्व विभाग में नहीं आता है, क्योंकि ये उनका निजी था, और निजी तो सबके लिए थे, लेकिन ये पुरातत्व विभाग में नहीं आता है, जिससे कि इसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हो पाई है। तो ये किला काफ़ी टूट चुका है, और किला अंदर से बहुत काफ़ी अच्छा सुंदर था, लेकिन टूट चुका है, जिससे कि इसकी शोभा बहुत कम हो गई है। तो अभी बाहर चलते हूँ और आपको दिखाती हूँ। पर अभी हम लोग बाहर की साइड में आए हैं, तो काफ़ी अच्छी सुंदरता है, और ये अब बहुत बड़ा पेड़ दिख रहे हैं, तो ये बेल पत्ती का पेड़ है, और इसमें फल भी लगे हैं और पत्ते भी बहुत हैं। तो ये शिव जी का मंदिर था, तो आपको दिखाया अभी मैंने, तो ये अभी बेल पत्ती का पेड़ है और काफ़ी अच्छी सुंदरता है। तो अभी एक बच्चा आया स्कूल के लिए पढ़ने के लिए, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पर घूमना मना है, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने तो घूम लिया है और काफ़ी इन्जॉय किया, तो चलिए चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं। स्कूल के स्टूडेंट हैं जहाँ पर भी हमने आपको दिखाया है, तो ये अभी बोल रहे हैं कि हम आपको दिखाते हैं और घुमाते भी हैं। तो अभी ये आपका नाम क्या है? मानवेंद्र। तो ये मानवेंद्र हैं, ये बिजनाई के रहने वाले हैं। तो अभी कक्षा कितने पढ़ते हैं? 8। कक्षा 8 में पढ़ते हैं, और इसी किले में स्कूल है तो उसी में पढ़ते हैं। तो ये स्कूल भी सरकारी है और ये किला भी सरकारी है, तो इन्होंने बोला कि हम आपको घुमाते हैं, तो चलिए इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी हेल्प की और घुमाने में। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ है, तो देखिए काफ़ी अंधेरा है और अभी अंदर चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो काफ़ी अंधेरा है और बहुत मज़ा आ रहा है, तो यहाँ से तो सीधे वापस आ गए हम लोग, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर। कहाँ पर कहीं भूल गए क्या? चलिए बढ़िया, सही है, बाहर आ गए, चलो बढ़िया है। इस हम लोगों ने किला घूम लिया है, अब हम लोग किले के बाहर जा रहे हैं। तो ये पुराने जमाने की बैलगाड़ी है, तो आप देख सकते हैं। इस हमने किला घूम लिया है और किला काफ़ी अच्छा है। तो ये बिजना का किला है, और बिजना एक गांव है। तो अभी हम लोग यहाँ पर पेपर देने के लिए आए थे, तो पेपर तो हमारा 11 बजे से है, तो हमने ये सोचा कि यहाँ पर किला है तो आपके लिए एक ब्लॉग ही बना दूँ। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो हमने आपको किला दिखा दिया है, एक रहस्यमय किला है,
तो काफ़ी अच्छा किला है। और प्लीज़ इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए, जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।